बना ली है बढ़िया, बाहर की तरफ निकालते हुए अब्बास भाई पूरी ताकत से अंदर की तरफ लेके जाते हुए, वो पतंग चला रहे हैं बिल्कुल गद्दा मारा है। चलिए बढ़िया, अंदर निकालते हुए अपोनेंट बिल्कुल खड़ा ऊपर खींचा है उन्होंने बाहर खींचने की। Welcome to Kite Culture. आइए दोस्तों, लखीमपुर वर्सेस लखनऊ यानी कि तरुण काइट क्लब वर्सेस चल रहा है हमारा किंग काइट क्लब। ऊपर वाली पतंग जो है किंग काइट क्लब की है अब्बास भाई के हाथों में, और नीचे से बढ़ते हुए लखीमपुर के प्लेयर। पहला पेज लखीमपुर की टीम लखनऊ आई हुई है। चलिए नीचे जाते हुए बढ़ते हुए मेरे ख्याल से राजा लड़ा रहे हैं यानी अजीत सिंह। ठीक है, जगह बना ली है बढ़िया, बाहर की तरफ निकालते हुए अब्बास भाई पूरी ताकत से अब अंदर की तरफ लेके जाते हुए, वो पतंग चला रहे हैं बिल्कुल गद्दा मारा है उन्होंने भी बाहर की तरफ अपने खींचा है और पतंग हल्की सी अंदर मुड़ी, लेकिन उससे पहले शानदार ये पेच कट चुके थे, क्या कर सकते थे। दोस्तों आपने अब्बास भाई की पतंग देखी, जब वो गद्दा नीचे जा रहा था लेकिन मुड़ के अंदर की तरफ गया यानी जिस तरफ अपोनेंट अजीत खड़े हुए थे राजा, यहाँ पे राजा को सिर्फ पतंग को झटके मार के पतंग को और ज्यादा ऊपर कर लेना था, खुद ही पतंग अब्बास भाई की फिसलती हुई चली जाती, लेकिन उस पे खींचने की गलती की यही वजह रही जहाँ पे राजा कट गए। तो दूसरा पेज देख रहे हैं नीचे की तरफ से अब्बास भाई फिर से बढ़ते हुए, ऊपर से अपोनेंट पिछला पेज काट के आगे का पेज मिला हुआ है अब्बास भाई को। चलिए अंदर बढ़ते हुए अपोनेंट ने रखा, लखीमपुर के प्लेयर ने पतंग ऊपर उठाई, अंदर तिरछा कराते हुए लगातार अपनी जगह ले रहे हैं, पतंग काफ़ी ज़्यादा पतंग खड़ी कर ली है, वो चेहरे की तरफ निकालते हुए पतंग सही हो चुकी है। चलिए और ज़्यादा चेहरा बाहर की तरफ निकालते हुए अपोनेंट, ये गद्दा मारने की गलती की थी बाहर निकलता हुआ, सीधा सीधा खड़ा बाहर खींच लिया। इसी बीच अगला पेच आता हुआ, आइए देखते हैं दोस्तों नीचे की तरफ से एक बार फिर से बढ़ते हुए तीसरा पेच है, ऊपर से अपोनेंट लखीमपुर की एक्सप्रेस आगरा एक्सप्रेस हाईवे के बगल में ये ग्राउंड है, ग्राउंड क्या है प्लॉटिंग है। चलिए बढ़िया, अंदर निकालते हुए अपोनेंट बिल्कुल खड़ा ऊपर खींचा है उन्होंने बाहर खींचने की, एक बार फिर से गलती कर दी है, बाहर नहीं खींचना है पलट के अंदर खींचते तो कुछ ना कुछ हो सकता था फायदा उनको। तीन पेच लगातार काटते हुए अब्बास भाई किंग काइट क्लब से। नीचे की तरफ से बढ़ते हुए अब हमारे अब्बास भाई चौथा पेच ये ले रहे हैं, तीन पेच लगातार काट चुके हैं, ऊपर वाली पतंग जो बाहर की तरफ निकल रही है ये है लखीमपुर के प्लेयर की, अंदर की तरफ और तिरछा करा रहे हैं अब्बास भाई और लेके अंदर की तरफ लेके जा रहे हैं, अपोनेंट भी लगातार ये रखा और ये पतंग उनकी कहीं ना कहीं छू गई या टूट गई, ये टूट गई कुल मिला के, लेकिन ये पेच मिल गया है और ये काट दिया उनका झोल, चार पतंग लगातार काट दिया अब्बास भाई ने। आइए दोस्तों लगातार पाँचवा पेच, ये दोस्तों पेज देखते हैं, पेज सही हो गया है, नीचे वाली पतंग देखिए बाहर की तरफ खींच रहे हैं, अपोनेंट ने गद्दा बनाया अंदर की तरफ लेके आ रहा है, लगातार सीधा खींचा है और थपकी है, यहाँ पे थपकी है और कहीं ना कहीं क्योंकि पतंग भारी एक तरह से रख दी थी अपोनेंट ने, और इस बार अब अब्बास भाई हमारे चार पतंग काटने के बाद कट गए, बढ़िया सा खींचे लेके गए थे, लेकिन यहाँ पे जो है अपोनेंट ने पतंग रोक ली, अच्छी चीज़ की है, एक तरह से पतंग जाके लद गई और हवा चल नहीं रही उनकी पतंग, अब्बास भाई की पतंग में हवा नहीं लगी और ये पेच पहला पेच आज का काट दिया है।
लखीमपुर की टीम ने। आइए दोस्तों इस पेज को समझते हैं। इस बार नीचे का पेज लेके आ रहे हैं शिवम, ये देखिए पेज फेरे जा रहे हैं, और ऊपर से हैं यश। अंदर की तरफ दिखाते हो, सही बोला है, उधर से भी सही है, सही है। चलिए तिरछा कराते हुए बिल्कुल नीचे से बढ़ते चले आ रहे हैं शिवम तेज हाथों से। चलिए बाहर की तरफ निकालना शुरू किया है यहाँ पे यश ने, उन्होंने पतंग चलाई, अपोनेंट पतंग चला रहे, अंदर की तरफ लेके आ रहे और तेज बढ़ा रहे पतंग को। चलिए पलट के अंदर खींचा है, थपकी मारी है और बहुत अच्छे झटके से काट दिए। और ये देखिए यहाँ पे बैठना पड़ा, क्योंकि देखिए दोस्तों जगह की थोड़ी सी दिक्कत है इस ग्राउंड में, जो बात है बहुत दिक्कत है। ये हमारे तरुण काई क्लब के मेंबर हैं और हम भी पहले ही बार आए हैं यहाँ पे। ये आगरा एक्सप्रेसवे के देखिए ये सामने गुजर रहा है, उसी के बगल में ये पतंग का खेल हो रहा है, क्योंकि पब्लिक का भी ध्यान रखना है कि किसी को हानि ना हो। और दूर तक देखिए कुछ भी नहीं है, खेत खात है। तो ये पेज थपक के काट दिया शानदार, उनको भी डोर पे रखना चाहिए था कुछ और करने की बजाय। शानदार ये पेज काटा यश ने। आइए दोस्तों इस पेज को समझते हैं, नीचे का पेज ले रहे हैं यश, पतंग को चलाया, बहुत तेज तेज चक्कर दे रहे हैं, चला रहे हैं। उन्होंने बाहर की तरफ खींचा है, उन्होंने क्रॉस करके नीचे उतारी और ये झोल काटा, मतलब बाहर निकलता हुआ क्रॉस मारा था पट, और वही जो पतंग यश के झोल गया ऊपर गया और उसी में वो कट गया। अच्छा पेच काट दिया यहाँ पे, तेज गद्दा मारना था, निकलता हुआ मार रहे थे तो संकोच में ना मारे भाई। दोस्तों ये पेच देखते हैं नीचे से एक बार फिर से बढ़ते हुए हमारे यश, ऊपर से अपोनेंट, लगातार दो पतंगे काट चुके हैं, चार या पांच टिकट अभी तक बढ़त पे है किंग काई क्लब। पहले पतंग से चार पतंग काटी थी अब्बास भाई ने और शानदार ये पेच होता हुआ। आगरा एक्सप्रेस हाईवे है और उसी के बगल में हम लोग लड़ा रहे हैं लखनऊ से, लगभग लखनऊ ही है लेकिन आउटर है थोड़ा सा, ये 12 से 14 किलोमीटर 15 किलोमीटर। चलिए यहाँ पे रखा, अंदर की तरफ दिखाया है, यश ने भी थपकी मारी है और उन्होंने अब खींचा है बाहर। कुछ भी करने से पहले यहाँ देखिए, बस यहाँ इनकी जगह ख़त्म हो गई थी, ये देखिए यहाँ जगह ख़त्म हो गई थी, वहीं पे रुकना पड़ा। और अच्छा पेच काटा है, बिल्कुल रोक के बाहर खींच दिया, कोई मौका नहीं दिया, और मौका होना था तो इस मेड़ को नहीं होना था तो बाहर खींचते या थपकते। आइए दोस्तों फैसल भाई का इस बार पेज देखते हैं, पिछला पेज कटे हैं यश, नीचे की तरफ से राजा बढ़ते हुए बिल्कुल अंदर की तरफ तेज हाथों से लाते हुए, ऊपर वाली पतंग हमारे फैसल जी की है। चलिए देखते हैं, सही है बोल दिया, दोनों तरफ ने सही बोल दिया गया है। चलिए अंदर की तरफ ले जाते हुए फैसल भाई, उन्होंने बाहर की तरफ निकाली पतंग, तेज तेज चलाया, ये रखा और कोई फायदा नहीं था, बिल्कुल खड़ी डोर पे नीचे मुड्ढा मारने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि जगह भी आप देखेंगे तो बिल्कुल पैरेलल सामने खड़े हुए हैं, आगे पीछे नहीं हो पा रहा। यहाँ देखिए यहाँ खड़े हैं हमारे राजा और यहाँ खड़े थे हमारे फैसल भाई, तो एक तरह से बिल्कुल पैरेलल खड़े हैं सामने, बहुत ज़्यादा आगे पीछे नहीं हो पा रहे। आइए दोस्तों आरिफ सर का पेज देखते हैं इस बार हम, चलिए देखते हैं क्या होता है। ऊपर का पेज ले रहे हैं हमारे आरिफ भाई, नीचे से अपोनेंट, और ये थपक के बढ़िया पेज काट दिया है, अंदर उतारने से पहले ही उसने थपक दिया, आरिफ सर ये पेज काट गए। नीचे से एक बार फिर से राजा पेच लेते हुए ऊपर से बढ़ते हुए गुज्जू, अभी तक लगातार तीन पतंगे काट चुके हैं और अंदर बढ़ते हुए और ज्यादा हाथ की तरफ बढ़ाते हुए
देखते हैं क्या होता है, गद्दा मारेंगे कि सीधा उतारेंगे। और अंदर लेके जाते हुए उन्होंने भी पतंग अपनी बाहर ही निकाली है, बहुत ज़्यादा अंदर नहीं चढ़ रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि झोल कट सकता है अजीत का। बस करो मान लो, चलिए देखते हैं। ये अब मुड्ढा लिया है बाहर की तरफ, अंदर उतारे तेज हाथों से, उतारते चले जा रहे, पतंग का चक्कर दिया उन्होंने अंदर की तरफ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा पेज, गहरा जो गद्दा उतारा है, रुख अंदर दिखाया था, अच्छी चीज थी, लेकिन एकदम गहराई में मार दिया था। हल्का अगर बाहर निकलता हुआ मुड्ढा होता तो यहाँ पे गुज्जू कट जाते। शानदार ये पेज था। आइए दोस्तों, अब्बास भाई का पेज नीचे की तरफ से है। एक मिनट भैया, एक मिनट, अंदर की तरफ उतारे अपोनेंट बहुत तेज। अरे एक मिनट भैया, चल सीधा तेज खींच लिया है और अब रोकेंगे, बिल्कुल रोक लिया है। अरे भैया, आइए एक बार फिर से पेच लेते हुए हमारे अब्बास भाई और ऊपर से अपोनेंट लखीमपुर के प्लेयर। पेच की दूरी लगभग 350 मीटर बना के बाहर की तरफ दिखाया अब्बास भाई ने पतंग नीचे की और सीधा से। अरे चुप हो जा भाई, चलिए अंदर की तरफ से बढ़ते हुए, सही बोल दिया गया, चलिए अंदर की तरफ खींचा था, जैसे ही खींचा वैसे अंदर की तरफ दिखाया, फिर से गद्दा मारा, उन्होंने पट किया। और ये देखिए हवाई जहाज निकलता हुआ सुंदर सा, और अंदर बढ़ाया, जगह ले रहे हैं बिल्कुल कन्ना, कहीं ना कहीं अपोनेंट लेके आए हैं उनका। और ये देखिए गहराई में मारा है बाहर की तरफ, अब खींचा है लेकिन कोई फायदा नहीं, पूरा का पूरा एक एंगल बनाया था पतंग ने जो घूम के ऊपर गई, जिसकी वजह से ये पेच कट गए। अच्छा पेच काटा है यहाँ पे अपोनेंट ने। शीतल भाई हैं नीचे से दोस्तों, और ऊपर से हैं हमारे पंडित जी गुज्जू भाई हैं हमारे। आइए जी, बिल्कुल नाम उनका दुर्गेश है, हम लोग बहुत सारी मस्ती करते रहते हैं। नीचे से हमारे क्या नाम लिए थे, शीतल भाई हैं। आइए, नाम जरूर फीमेल है लेकिन वो मेल है। चलिए बाहर की तरफ गद्दा बना रहे हैं, उन्होंने सीधे खींचा, इन्होंने भी बहुत अच्छा, देखिए खुद ही कहीं ना कहीं, और देखिए हर तरह से सब गुरु हैं कहीं ना कहीं। पतंग का हाथ मार लेना तो, और ऊपर वाली पतंग देख रहे हैं, खाली बोतल गाड़ी में रखी क्या, उठा लियो पानी हमारे दुर्गेश की, यानी गुज्जू पंडित जी हमारे, और नीचे से है शीतल भाई। चलिए एक बार फिर से कोशिश करते हुए, अंदर की तरफ बढ़ाया बाहर की तरफ निकाल रहे हैं, ध्यान से देखेंगे पेज को, पेज सीखिए, मांझा वांझा महंगा मत लीजिए, बाकी आपकी आदत है जो भी आप लड़ा रहे हैं वो उसी से लड़ाइए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अंदर तिरछा कराते हुए आ रहे हैं हमारे शीतल भाई, बिल्कुल चक्कर दे रहे हैं अभी भी, बिल्कुल खड़ा खींचा इन्होंने, देखिए संकोच में खींच रहे थे कहीं ना कहीं, पूरी ताकत नहीं लगाई, रोक के अंदर तेज से झटक देते तो कुछ काम हो सकता था यहाँ पे। पहला पेज काट के हमारे फैसल भाई आगे की ओर गए हैं, और नीचे वाली जो पतंग देख रहे हैं राइट साइड वाली, वो है फैसल भाई की है। चुप हो जावे, रिकॉर्ड होता है सब। ऊपर वाली पतंग है अपोनेंट की, यानी कि लखीमपुर के प्लेयर की। चलिए तिरछा कराया हुआ है यहाँ पे, और ज़्यादा तिरछा कराया हुआ है फैसल भाई ने, पतंग को चक्कर दे रहे हैं अंदर की तरफ और बाहर की तरफ। ये देखिए अब अंदर की तरफ खींचा, रोकना होगा पतंग को, चक्कर झटके मारने होंगे यहाँ पे फैसल भाई को। और ये छू गया कहीं ना कहीं, छू झटके मारने से तेज तेज बाहर की तरफ निकलता हुआ, लेकिन नहीं किया ऐसा। और ये आ रहे फैसल भाई कट के, एक फेस काटा भी है ना, बहुत बढ़िया। आइए दोस्तों एक बार फिर से देखते हैं हमारे आरिफ जी का पेज, उनका साथ दे रहे हैं मुन्ना भाई, गोल्डी भाई के लिए बड़े भाई हैं। आइए दोस्तों नीचे के पेज ले रहे हैं अजीत भाई, नीचे का पेज बहुत ही स्ट्रांग है कहीं ना कहीं राजा का, और ऊपर से हैं आरिफ जी। चलिए तिरछा करा रहे हैं, हल्का हल्का अंदर की तरफ बढ़ते हुए आ रहे हैं, नीचे की यह पतंग तोखा पतंग है, अंदर आने के लिए बुला रहे हैं। पेज की दूरी है लगभग 400 मीटर के करीब। चलिए हवा बिल्कुल ही बंद हो गई एक तरह से, आप पतंग के चलने के अंदाज से देख सकते हैं, ध्यान से पेज सीखते रहिए। चलिए ये बना के मारा है बाहर की तरफ, उन्होंने खड़ा खड़ा सीधा खींचा है और आराम से ये पेज काट दिया, घुमा के पतंग अंदर की तरफ तेज गद्दा उतार देते। और पहली बात तो इतने कन्ने के पास कभी भी बाहर नहीं खींचना है, ये आपको याद होगा दोस्तों, सीखते रहे। तो देखते हैं ऊपर से है
यश और नीचे हैं अजीत। लगातार पेच काटे हैं अजीत ने, लगभग 5 पतंग या 4 पतंग काट चुके हैं। देखते हैं, 3 काट लिए। ओके, पीछे से आवाज़ आई। चलिए, ये ले जाकर रखा है मूटा, सीधा सीधा रोकी पतंग, चक्कर दिया। अब गद्दा बिल्कुल मारा था लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल खड़ा अंदर खींच के हल्के हल्के चक्करों पे रख लिया और इनकी पतंग फिसलती हुई चली गई। यश की शानदार ये पेच काटा है अजीत ने, चौथा। आइए दोस्तों, इस पेज को समझते हैं। ऊपर की पतंग जो है अब्बास भाई की है और नीचे अजीत बढ़ते हुए। अरे यार यश, रुक जाओ भाई, यश वहीं रहना। अरे यार भाई। तो चलिए, बिल्कुल खड़ी अंदर खींचते हुए चले आ रहे हैं, लगातार अजीत खींचते चले आ रहे हैं। क्या होना है, अंदर का रुख दिखाया हल्का सा और वहीं पे पतंग रोक ली। लगातार 4 पतंगे अब तक, माफ़ कीजिएगा, 3 पतंगे काट चुके हैं। पिछली बार गलती हो गई है, 4 नहीं काटी है इन्होंने। चलिए, बाहर की तरफ दिखाया है अब्बास भाई ने, गद्दा बनाया, अंदर की तरफ पतंग उतरी है लेकिन कोई फायदा नहीं है। उनका भी एक तरह से क्रॉस पट नीचे की तरफ हुआ और अच्छा पतंग तेज खींचे काटा है। यहाँ पे 4 पतंगे काट चुके हैं अब तक राजा। आइए दोस्तों, अजीत भाई का ये होगा 5वां पेच अगर ये काटेंगे तो। 4 पेच अब तक काट चुके हैं। दुर्गेश ऊपर से पेच लिए हुए हैं, राइट साइड वाली पतंग है दुर्गेश की, लेफ्ट साइड वाली पतंग है राजा की यानी अजीत की। अब तक 4 बेहतरीन पेच काटे हैं। नीचे का पेच मिला हुआ है और नीचे का हाथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों, 5वें पेच के लिए लड़ा रहे हैं। नीचे से हैं अजीत और ऊपर वाली पतंग देखिए, राइट साइड वाली पतंग जो चक्कर खा रही है, अब अंदर की तरफ जा रही है। ये है हमारे दुर्गेश, देखते हैं क्या होता है। चलिए, चक्कर ले रही है और अंदर लेके जा रहे हैं। यहाँ पे हल्के हल्के रखना शुरू किया उसने, क्रॉस पट की तरफ बाहर खींचा है। बहुत अच्छा पेच काटा है यहाँ पे, बहुत ताकतवर रुख दिखाया है। थोड़ा सा रोक के थपकना था तेज तेज, जैसे ही वो अंदर रुख दिखाए थे। सीखते रहें, समझते रहें। सारे पैतरे तू भूल जाएगा जब भी ये फॉर्म में आएगा, इसकी पतंग की चाल देख के अपनी पतंग तू हटाएगा। तेरे पैतरे तू भूल जाएगा जब अपनी पे ये आएगा, क्यूपन में आसमां में मुट्ठों को बदल दे, ये तू बेटा कुछ नहीं कर पाएगा। नवाबों के शहर का ये नवाब है, पतंगबाजों में इसका नाम खास है। आइए दोस्तों, 7वां पेच होगा ये अजीत भाई का। पेच ले रहे हैं हमारे अब्बास भाई, ऊपर से नीचे रखा, हल्की पतंग बाहर की तरफ घूम रही है। ये देखिए पतंग थोड़ी खराब है अब्बास भाई की। चलिए देखते हैं, ये रखा अजीत भाई ने, नीचे किया, रख दिया पतंग और ये पतंग फट गई है। और ये कन्ने पे अगर उतर जाएगी तो ठीक, और नहीं तो ये सत्ता ऐसे ही हो जाएगा हमारे अजीत भाई का। अगर आ जाएगी तब तो पेच नहीं माने जाएंगे। आराम 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 बटा टेट दे हर मार। हाथ में उतारिये, हाथ में। जल्दी जल्दी में आदमी उड़ाता है अपने हाथ को।
क्या गलती हुई थी मैं बताऊँ। गलत चिपक गई, उतनी जगह ही खाली है। नहीं कहाँ सही लगाए, यहाँ बीच में गड्ढा नहीं जाएगा। सातवें के इंतजार में हमारे अजीत भाई खड़े हैं, पतंग लगातार हवा में रखे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है। हवा बिल्कुल 1-2-0 तक पहुंच गई है। तरुण काइट क्लब आई है लखनऊ। कैसा रहा आज का? सुबह से ही खराब था। बैड डे काफी रहा आज दोस्तों। तरुण काइट क्लब के मेंबर सारे, एकमात्र अजीत भाई ने 6 पेज काट रखे हैं इस वक्त तक, क्योंकि पतंग अगर उतर गई तो वो फिर नहीं माना जाता, ऐसा रूल है। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं मुझे दिख रहा है, पतंग हवा जो है बिल्कुल ख़त्म ही सी है। और समय भी जो है आपको दिखाता हूँ, 6:18। पूरी टीम खड़ी हुई है लखीमपुर की, तरुण काई क्लब। आशीष जी हैं हमारे साथ, कैसे हैं सर? फिलहाल सबसे हाँ, आज हम लोग भी बहुत सारा मन बना के आए थे, लेकिन एक तो सुबह इतना लेट हो गया। हाँ, 43 डिग्री का टेम्परेचर रहा दोस्तों आज, लेकिन अगर हवा चलती तो कोई बात ही नहीं होती है। जितने भी खिलाड़ी देख रहे हैं वो समझ रहे होंगे इस बात को कि अगर हवा चले, पेच पे पेच मिलते रहें तो फिर बात ही, गर्मी का एहसास ही नहीं होता। आज हवा ने वाकई बहुत ज़्यादा रुला दिया है। कुल मिला के एक ख़राब दिन है पतंग के खेल का। और सामने खड़ी है किंग काइट क्लब। तो फाइनली दोस्तों पतंग जो है उतर रही है, हवा बिल्कुल नहीं है। और 7 टिकट से मेरे ख्याल से बढ़ है, 6 टिकट से बढ़ है तरुण काइट क्लब इस बार। और 7 होना चाहिए था, लेकिन वही है कि हवा की वजह से जो है हमारे अजीत भाई जो है बैड लग रहा बिल्कुल। और ये पतंग उतर आई है, इसी पतंग ने बढ़िया पतंगे काट दी। तरुण काइट क्लब, ये देखिए, और राजा ही हैं शायद ये। राजा भाई का चरखा, राजा भाई की पतंग, हमें तो गोल्डी भाई मेन है कि आपसे गेंद बने, वो सलाह दोनों चार दोनों बार ऐसा हुआ कि आपसे पता नहीं। अबे आप कह रहे थे हमको पैसे देते यार। अभी भाई अली बात, अच्छा बैग किधर भी रख देना, इधर उधर नहीं नहीं अभी वाला इधर भी रख सकते हैं ना भैया। अभी वैसे लगाइएगा, ठीक है।